तो गाइस ऐसा है, सुबह के हो रहे हैं 10:20। यहाँ पर मैं सब्जियां लेके आया हूँ, जैसे कि टमाटर हो गए, धनिया हो गया, मूली हो गया, घिया हो गया और एक ब्राउन ब्रेड। और यहाँ पे दाल में तड़का लग रहा है, ये तड़के का सामान तैयार हो रहा है और दाल को यहाँ पे उबाल दिया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, होप करता हूँ आप लोग भी सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत हो गया आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पर देसी घी में प्याज भुनने के लिए डाल दिए। प्याज के साथ पिसा हुआ टमाटर डाला जा रहा है। इसमें डाल रहे हैं नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे प्याज टमाटर मसाले जब अच्छी तरह से पक जाएंगे, ये दाल हम इसमें पलट देंगे। ऊपर से हमने चॉप करके धनिया डाल दिया। तो गाइस, जब तड़का जो हम लगा रहे हैं वो घी छोड़ने लग जाए, अब यहाँ पे देखो घी सेपरेट होना शुरू हो गया, घी निकलना लग गया, तो यानी कि हमारा जो तड़का है वो कम्प्लीट हो गया है। अब इसमें दाल डालने की बारी है। यहाँ पे मसाला भून के तैयार है, अब हम इसमें दाल पलटेंगे। और यहाँ पे आ गई है दाल, और फाइनली माँ छोलियों की दाल बनकर तैयार। ऐसे ही आप घर पे अपने बना सकते हैं माँ छोलियों की दाल। इसी के साथ साथ दिन की शुरुआत हो गई है सुबह की पहली पहली धूप से। और गाइस, अभी फिलहाल मैं नहा धोकर मंदिर में पूजा भी कराया हूँ। डेली का मंदिर जाके पूजा करने का रूटीन मैं बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं डेली अपना रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। आज ब्रेकफास्ट में है मेथी का पराठा, साथ में है छोले की सब्जी, काले छोले की सब्जी, और यहाँ पे है सफेद मक्खन, और ये होममेड धनिया पुदीने की चटनी है। तो मक्खन को पराठे के ऊपर रखते हैं और छोले की सब्जी के साथ थोड़ी सी चटनी लगा के अपना ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं। तो गाइज, अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी मैं आया हूँ अपनी शॉप में। तो गाइज, मेरी जो शॉप है, शॉप में मैं सूट्स बेचता हूँ और सूट स्टिच भी करवाता हूँ, और साथ में मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये लाइनिंग है, मतलब मेरे पास सब तरीके की लाइनिंग्स है, सारे कलर्स की लाइनिंग है, कॉटन लाइनिंग, और साथ में फॉल्स है जो साड़ी के नीचे बॉर्डर पे लगती है। यहाँ पे कुछ लेसे हैं जो सूट्स के बॉर्डर पे लगती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे पास फ्रूटी है, ये कॉफी की कैंडी है, मर्लिन टॉफी, हैप्पी डेंट, सेंटर फ्रेश, सेंटर फ्रूट वाली च्युइंगम है, पल्स है, एल्पेन लीबे है, और पेप्सी की सारी वैरायटी है, पानी बिस्लेरी है। तो गाइज, ये जो रिफ्रेशमेंट वाला सामान है ये मैं अपने कस्टमर्स के लिए रखता हूँ। तो गाइज, इस शॉप में मैं सारे तरीके के सूट्स जो है वो स्टिच करवाता हूँ, लेडीज सूट्स, और जो भी एड ऑन होता है उसके अलग से चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे जो सूट्स नॉर्मल होते हैं जो बिकते हैं मार्केट में, वो तो मैं स्टिच करवा ही देता हूँ, सूट्स जो है वो बेचता भी हूँ, और कुछ जो फैब्रिक्स होते हैं, फैब्रिक से जो सूट्स बनवाने होते हैं वो भी मैं बनवा देता हूँ। तो आपको मैं थोड़ा सा फैब्रिक दिखाता हूँ कि मेरे पास कैसे कैसे फैब्रिक्स हैं, थोड़ी सी आपको झलक दिखाता हूँ फैब्रिक्स की। यहाँ पे मेरे पास कुछ फैब्रिक्स हैं, मैं ये सारे फैब्रिक स्टिच करवाता हूँ। ये और कुछ फैब्रिक्स हैं, यहाँ पे कुछ वेलवेट के फैब्रिक्स हैं, और नीचे यहाँ पे देखो और बहुत सारे फैब्रिक्स हैं। अगर पर्टिकुलर व्हाइट में चाहिए तो ये डाइएबल फैब्रिक्स हैं, ये सारे डाई हो जाते हैं, कलर जोन सा भी कलर आपको पसंद आता है वो कलर आप करवा सकते हैं। जो लैसे हैं, मैंने सारी टाइप्स की लैसे रखी हुई हैं, मेरे पास जो है लैसों की कोई कमी नहीं है, सब टाइप्स की लैसे हैं मेरे पास। कुछ लैसे मेरे पास यहाँ पर भी हैं, देखो। तो गाइज, मेरे पास यहाँ पे दो मशीनें हैं सूट सिलने की, और एक ओवरलॉक की मशीन है। और अभी फिलहाल मैंने ये दोनों जो मशीन्स हैं इसको हटा के इलेक्ट्रॉनिक मशीन ऑर्डर करी है, तो मैं वो लगवाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो थोड़ी सी फास्ट होती है चलने में और थोड़ी अच्छी होती है, तो अभी मेरा काम इनसे हो रहा था, अब थोड़ा काम ज्यादा है तो मैं अपना जो मशीनें हैं वो चेंज करवा रहा हूँ। और ये मेरा एक छोटा सा काम है जो मैं अपना करता हूँ, डेली काम है, उसको चलाता हूँ। तो गाइज, ये मेरा छोटा सा बुटीक है जिसको मैंने शुरू किया था बहुत टाइम पहले, और अभी फिलहाल मैं जो सूट्स हैं वो बेचता भी हूँ। और आपको अगर कोई सूट्स, आप अपनी तरफ से कोई सूट लाते हो तो वो भी मैं स्टिच भी करवा देता हूँ। तो मेरा ये बुटीक है, इसमें मैंने सारी आइटम, सारा सामान रखा हुआ है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप विजिट करना, इस बुटीक में विजिट करना, और मेरे से सूट सिलवा सकते हैं। तो गाइज, ये कुछ सूट्स हैं जो स्टिच हो गए हैं। मौसम इतना अजीब हो रहा है, घर में बैठते हैं तो ठंड लगती है और जब धूप में आते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। तो ऐसा है गाइस, मैं सुबह की मॉर्निंग वॉक कर नहीं पाया था आज, तो आज मैं इवनिंग वॉक पे निकला हूँ। अभी मैं मॉर्निंग क्लब वाले पार्क में जा रहा हूँ, वहाँ पे एक राउंड लगाऊंगा, उसके बाद आगे निकलूंगा, क्योंकि मुझे 6 बजे तक का टाइम है, 6 बजे के बाद ही पूसा में एंट्री मिलेगी। तो 6 बजे तक मैं ऐसे ही राउंड काटता जाऊंगा सारे पार्क्स में। अभी फिलहाल मैं मॉर्निंग क्लब वाले पार्क में पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे करते हैं इवनिंग वॉक। तो गाइज, मैं जस्ट पार्क में पहुंचा ही हूँ और मेरे को देखो कौन मिले। हेलो पापा, आप क्या कर रहे थे यहाँ पे? मैं शाम को रोया था। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही आ गया। शाम की सैर भी करता हूँ, दोनों सैर करते हैं। बहुत बढ़िया, मैं अपना इवनिंग वॉक कर ही रहा था कि मेरे को पापा मिल गए। पापा भी यहाँ पे सैर कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ।
पापा ने खैर कहीं और जाना था तो अब पापा कह रहे हैं मैं भी तेरे साथ पूसा ही चलता हूँ, सैर कर लेंगे। तो गाइज अभी एक राउंड कंप्लीट हो गया है ये वाले पार्क, मॉर्निंग क्लब वाले पार्क का। अब यहाँ से निकल रहे हैं आगे। फिलहाल मैं एक और पार्क में आया हूँ, यहाँ पे मैं एक राउंड लगाऊंगा। मैं इस वाली पार्क की एक चीज बहुत मस्त लगी मेरे को, यहाँ पे सारे लोग शाम के टाइम बैडमिंटन खेल रहे हैं। पार्क के एक साइड में घास वगैरह और दूसरी साइड ऐसी है एकदम प्लेन मिट्टी वाली, जहाँ पे सब लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। करीब करीब 3 राउंड लगा लिए हमने। और इस पार्क की एक चीज बहुत अच्छी लगी मेरे को, यहाँ पे जो सैर करने का एरिया दे रखा है ना, ये बहुत ज्यादा चौड़ा है। मतलब यहाँ से कोई अपना साइड से आ रहा तो साइड से जा सकता है, जबकि हमारे मॉर्निंग क्लब वाले पार्क में थोड़ा सा स्पेस कम है, तो जब हम चलते हैं तो थोड़ी बहुत हमें साइड देनी पड़ती है दूसरे जने को जो सामने से आ रहा है। यहाँ पे काफी जगह है। तो फिलहाल अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ पूसा, और मेरे जाते जाते तक शायद पूसा में एंट्री हो जाएगी, 6 बज जाएंगे और शाम का टाइम हो गया। तो गाइस चलते चलते फाइनली मैं पहुँच गया हूँ पूसा के गेट पे, और यहाँ से अंदर एंट्री लेते हैं। पूसा में एंटर हो गया हूँ, और बहुत दिनों के बाद मैं शाम को आया हूँ पूसा, क्योंकि मैं दिन में तो बहुत बार आ गया, बहुत बार ब्लॉग बना लिए, लेकिन आज शाम के टाइम आया हूँ मैं पूसा, और काफी अच्छा लग रहा है। क्राउड है बहुत है, और मेरे साथ पापा भी जा रहे हैं आज। फिलहाल ये ट्रैक वाली रोड पे हम आ गए, यहाँ से आगे इसी ट्रैक रोड पे कंटिन्यू करेंगे। और गाइस शाम के टाइम पूसा में अलग ही मजा है। और गाइस जैसे जैसे शाम होती जा रही है जो लाइट है वो कम होती जा रही है। यहाँ से एक ट्रैक रोड खत्म होती है और दूसरी ट्रैक रोड शुरू होती है। गाइस शाम के टाइम जो बर्ड्स की आवाज है ना, चिड़ियाओं की आवाज है, वो सुबह के कंपेयर में ज्यादा है। इस टाइम आवाजें बहुत ज्यादा आ रही है, मतलब बर्ड्स की। गाइस अभी चलते चलते मैं पहुंच गया हूँ घंटाघर। ये पूसा का घंटाघर है। सुबह के टाइम का व्यू अलग होता है, सुबह थोड़ी फॉग होती है तो क्लियर नहीं होता। इस टाइम देखो सामने आपको घंटाघर दिखाई दे रहा होगा। शाम के टाइम देखो अंधेरा होता ही सारी लाइटें जल गई है, और इतना मजा आ रहा है ना ऐसे लाइटों के बीच में से जाना, मतलब मजेदार एक्सपीरियंस है एकदम। और गाइस शाम के टाइम हमने एक नया रास्ता लिया, और यहाँ पे देखो क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखना आपको दिखाई देगा। ये सारे संतरे के पेड़ है, ये देखो संतरे लगे हुए हैं पेड़ों पे, और कितने ही पेड़ हैं, इन सब पे संतरे लगे हुए हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं ना छोटे छोटे, ये संतरे हैं। और देखो आज मोर के दर्शन भी हो गए शाम के टाइम, और 2-3 मोर हैं। और अभी मैं आया हूँ तो मेरे को डराने के लिए मेरे पास आ रहा था ये वाला मोर देखो, और इसने एकदम से रास्ता पलट लिया। तो भाई साहब एक और मोर मिला है, और ये पेड़ के ऊपर है। तो यहाँ पे मेरे देखो सब्सक्राइबर मिले हैं मेरे को। मेरा चैनल आपको देख पता है कौन सा है, मेरे चैनल का नाम इनको पता है, और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स है पूसा में मिले मेरे को आज सब्सक्राइबर। तो गाइज आज शाम के टाइम जो हमने नया रास्ता पकड़ा है, काफी चीजें एक्सप्लोर करी है हमने। गाइज यहाँ पे चिड़ियों की आवाज देखो कितनी ज्यादा है, सारे पेड़ों में चिड़िया ही चिड़िया बैठी हुई है, और आवाज देखो कितनी जबरदस्त है, चारों तरफ चिड़ियों की आवाज ही गूंज रही है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी चिड़िया जो है सुबह सुबह के टाइम निकलती है बच्चों के लिए अपने खाना लेने, और इस टाइम जैसे खाना लेके आती है तो उनके बच्चे खुश हो रहे हैं। ये मेरी थिंकिंग है थोड़ी सी, तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आवाज इतनी ज्यादा है ना, क्योंकि अब ये उड़ेंगे तो है नहीं रात में, इस टाइम ये यहीं पर ही पेड़ में बैठ के सो जाएंगे। आवाज देखो मजा आ गया, ये वाली आवाज मैंने सुनी नहीं थी कभी पूछा मैं। सामने जो ऑरेंज ऑरेंज दिखाई दे रहा है वहाँ पे जाके सूरज डूबा है, इसके ठीक अपोजिट सामने देखो चंदा मामा निकल आए हैं। तो गाइज अभी मैं पहुंचा इंदरपुरी वाले पूसा गेट, और यहाँ पे है पूसा एग्री कृषि हाट। कृषि हाट में जो जो सामान किसान बनाते हैं अंदर जो सामान बनता है वो सब सामान यहाँ पर मिलता है अंदर। अच्छा, ये हाट पूसा एग्री कृषि हाट बना रखे, बहुत सारी आइटम पूसा की बनी जैसे। तो यहाँ पे बेसिकली जो पूसा के अंदर जो सामान बनता है वो यहाँ पे बिकता है, तो जैसे कि छोटे छोटे पौधे हो गए और बहुत सारी चीजें, मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये सारा सामान मिलता है, बहुत सारी चीजें, नमकीने हैं हर टाइप की, केक्स हैं, रस हैं, गुड़ पट्टी है, ये मुरब्बे भी हैं यहाँ पे बहुत टाइप्स के, हर टाइप के अचार मिलते हैं। देखो ताजा ताजा शहद मिलता है नेचर्स का, एकदम ताजी ताजी वेजिटेबल्स भी मिल रही हैं। तो गाइस पूसा एग्री कृषि हाट से हम निकल ही रहे थे कि यहाँ पे अभी एकदम हमें शुगर केन जूस मशीन मिली है, और यहाँ पे भैया है अभी हमारे लिए जूस बना रहे हैं, गन्ने का जूस इस मशीन में बनेगा। तो ये देखो यहाँ से भैया ने मशीन ऑन कर दी है। क्या क्या डाल रहे हो आप? नींबू, अदरक, मिंट, और यहाँ पे देखो हमारा जूस निकल के तैयार हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे हमारा गन्ने का जूस आ गया है, और अभी इसको पी के देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। टेस्ट भी आप बिल्कुल याद रखें, बहुत बढ़िया टेस्ट है, एकदम मजा आ गया। और गाइस भैया कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये जो भी जूस निकाल रहे हैं ये गन्ने जो हैं इन्हीं के ही खेतों से आए हुए हैं, और एकदम फ्रेश गन्ने हैं जिसका जूस निकाल रहे हैं ये भैया। टेस्ट इतना जबरदस्त है ना, इतना जबरदस्त कि मजा ही आ गया एकदम। गन्ने का जूस बहुत पिया है लेकिन ये वाला जो टेस्ट है एकदम ताजा ताजा टेस्ट है। तो भैया यहाँ पे और क्या क्या मिलता है? हमारे यहाँ गन्ने के और प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे गन्ने के रस की खीर मिलती है, बहुत बढ़िया। और ये जितने प्रोडक्ट है ये 12 महीने मिलेंगे।
अच्छा, आपको मसाला छाछ मिलेगी, प्लेन छाछ मिलेगी। ठीक है, कई बार हम कोकोनट मिल्क की भी बना लेते हैं छाछ। बहुत इससे अलावा हम आम की चटनी मिलती है हमारे यहाँ, खांड, गुड़, शक्कर, राब, भूरा, मोलासी, सब चीज जो भी यहाँ पर मिलेगी वो सब मेरे खुद की या तो बनाई हुई होंगी या मेरे सुपरविजन में तैयार की हुई। एक्चुअली गाइज हम लोग बहुत लेट आए हैं यहाँ पे, जितने भी स्टॉल्स हैं देखो ऐसे जगह जगह यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, ऐसे पूरा राउंड सर्कल घूम के आना है और यहाँ पे स्टॉल आके खत्म होते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है आपको, हर पौधों के सीड्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे पौधे मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, पूरा स्टॉल है यहाँ पे। जो टाइमिंग है हम लोग बहुत लेट आए हैं तो सारे स्टॉल्स बढ़ा दिए गए हैं, मतलब सारे स्टॉल्स वाले जो बंदे हैं भैया हैं वो अपनी अपनी दुकानें बढ़ा के जा चुके हैं। आके हमें एक नया एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत बढ़िया चीजें लगी यहाँ पे आके।